भाई ऐसा क्या पुण्य कर दिया धुंधुकारी ने? उस पुण्य के प्रताप के कारण से धुंधुकारी के जीवन में ये भागवत आई है। अगर देखा जाए ना सज्जनों, तो धुंधुकारी का एक पुण्य था, और वो पुण्य ये था कि धुंधुकारी ने अपने पाप को स्वीकार कर लिया। और जीवन में याद रखना, पाप को स्वीकार करना भी सबसे बड़ा पुण्य है। पर हाँ, दुनिया वालों के सामने पाप को स्वीकार करो ना करो, पर जो दुनिया को बनाने वाला है सजनों, उसके सामने अपने पाप को स्वीकार करने की आदत बनाओ। पर विडंबना यह है, हम अपने पाप को स्वीकार नहीं करते और पुण्य का ऐसा बखान करते हैं साहब। और मानो कोई निंदा थोड़ी सी कर दे तो अरे राम 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 है, और प्रशंसा का रसगुल्ला अगर कोई खिलाए तो ऊपर से तो कहेंगे अरे अपना कुछ नहीं, सब भगवान का है, और भीतर से इतना लड्डू फूटेगा कि दो पांच मिनट और चलने दे तो बड़ा मजा आ रहा है। ऐसी तो हमारी आदत है सब। और भगवान ने यहां कहा है कि वाकई में अगर जीवन में अगर आप चाहते हो ना, तो प्रायश्चित करना सीखो। कुछ भी आपको कुछ आए ना आए, एक बात आपने सीख ली तो जीवन में आनंद हो जाएगा। प्रायश्चित करो, लोगों के सामने नहीं, जो दुनिया को बनाने वाला है। क्योंकि दुनिया के सामने अगर पाप को स्वीकार करोगे तो एक में दस जोड़कर आपको और पड़ाए। पर हाँ, अगर आप स्वीकार करना चाहते हैं तो परमात्मा के सामने अपने पाप को स्वीकार करें। एकांत में आपके घर के भीतर मंदिर होगा, उनके सामने बैठो और भगवान को कहो, भगवान आज हमसे गलती हो गई और हम बड़े पक्के विश्वास से आपको कह रहे कि अब ये गलती नहीं करेंगे। उससे जो पुण्य प्राप्त होगा सज्जनों, उसकी आपने कभी परिकल्पना भी नहीं की होगी। बिल्कुल पक्का कह रहे हैं, पाप को स्वीकार करो, गलती हो जाए। पर ऐसा नहीं कि पाप को स्वीकार करने का मतलब कि आज पाप कर दिया तो कल जाकर और पाप करके कह दें कि हे भगवान, ये भी गलत है। क्योंकि एक बार जो गलती करे वो इंसान होता है, और जो बार बार गलती करे वो फिर हैवान होता है, और जो गलती पर गलती करे वो नहीं। लाइव चल रही है, हाँ समझ गए। तो कहने का भाव है सज्जनों, बार बार गलती नहीं, एक बार गलती हो जाए बिल्कुल क्षमा प्रार्थना करो, प्रभु मुझसे अगर गलती हो गई ना तो ना ना ना, प्रभु आपसे निवेदन है कि हमसे गलती हो गई, आप हमें क्षमा करें, आप हमें क्षमा करें।